नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया धीय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी। करंट अफेयर्स के तमाम विषयों पर हम अपनी राय आपके सामने रखते हैं, आप तक सूचनाएं पहुंचाते हैं और आपसे मुखातिब होते रहते हैं। लेकिन आज हम एक स्टैटिक टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये बेहद ही दिलचस्प विषय है और यह है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कोई राज्य अगर चाहे तो वो भारत से अलग हो सकता है क्या? क्या संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान हैं क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि यह हमारी सरकार किस तरह से काम करती है? क्या हर देश की सरकार एक ही जैसी होती है? चलिए आज इस सवाल का जवाब खोजते हैं और समझते हैं कि परिसंघीय यानी फेडरल और एकात्मक यानी यूनिटरी गवर्नमेंट में किस तरह का डिफरेंस होता है। देखिए, राजनीतिक जानकारों ने सरकारों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा है। पहला है परिसंघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट और दूसरा है यूनिटरी गवर्नमेंट यानी एकात्मक सरकार। यह बंटवारा इस बात पर निर्भर है कि देश में केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच किस तरह के संबंध होते हैं। अब सवाल है कि संघीय यानी परिसंघीय और एकात्मक सरकार होती क्या है। चलिए इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझ लेते हैं। सबसे पहले कि यह परिसंघीय सरकार क्या होती है। देखिए, ये गवर्नमेंट का वो फॉर्म होता है, वो स्वरूप होता है जिसमें सत्ता दो हिस्सों में बटी होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य अथवा प्रांतीय सरकार। इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्यों के पास अपने अपने क्षेत्र में अधिकार होते हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों को स्वतंत्र तौर पर निभाते हैं। इन सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा तय किए जाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका को देख सकते हैं, कनाडा को देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, रूस है और ब्राज़ील जैसे देशों में फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ केंद्र सरकार को फेडरल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। अब समझते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है यानी एकात्मक सरकार क्या है। एकात्मक सरकार ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ सभी अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं। अगर राज्य सरकार होती भी है तो उन्हें केंद्र सरकार से अपने अधिकार मिलते हैं, यानी जो केंद्र सरकार चाहेगा वहीं उनको डेलीगेट करेगा पावर, यानी केंद्र सरकार का ही फैसला हर जगह लागू होता है। ब्रिटेन में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, चीन है, जापान है, ऐसी जगहों पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख सकते हैं आप। अब इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी परिसंघीय यानी फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट की फीचर्स क्या क्या होते हैं तो वो जरा समझ लेते हैं। देखिए, संघीय सरकार में दो स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्र की और राज्य की, जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ केंद्र सरकारें होती है और ज़रूरत पड़ने पर क्षेत्रीय सरकार बनाई जाती है, लेकिन उसमें उतना पावर या सत्ता नहीं होता जितना कि केंद्र में होता है। परिसंघीय सरकार में संविधान हमेशा लिखित में होता है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में संविधान लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है, यानी रिटेन और नॉन रिटेन दोनों हो सकता है, जैसे ब्रिटेन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, परिसंघीय सरकार में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन होता है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में सारे अधिकार केंद्र के पास होते हैं। संघीय सरकार में संविधान की सुप्रीमेसी होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे टॉप पर होता है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट है, संघीय सरकार में संविधान थोड़ा सा कठोर होता है, यानी उसे अमेंड करना, चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। वही यूनिटरी गवर्नमेंट में ये संविधान काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, उसे चेंज करना आसान होता है। संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यानी ज्यूडिशरी एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। संघीय सरकार में ज़्यादातर द्विसदनीय विधायिका होती है, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों होंगी, दो सदन होंगे जैसे भारत में है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में ये सिंगल हाउस ही होता है ज़्यादातर। अगर दूसरा हाउस होगा भी तो उसमें उतना पावर नहीं होता। संघीय सरकार के आगे भी दो प्रकार बताए गए हैं। पहले तरीके में कुछ कमज़ोर या छोटे राज्य आपस में मिलकर एक बड़ा और मजबूत देश बनाते हैं, उदाहरण के तौर पर अमेरिका को देख सकते हैं। वहीं दूसरा जो संघीय गवर्नमेंट होता है उसमें एकात्मक राज्य खुद को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर संघीय राज्य बनाते हैं, जैसे कनाडा आप देख सकते हैं। अब भारत के संघीय ढांचे को समझें तो भारत का संविधान भी संघीय ढांचे पर आधारित है, यानी फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल का यहाँ पे क्वासी फेडरल है। कैसे क्वासी फेडरल है ये हम अभी आगे समझेंगे। देखिए, हमारे संविधान के जो रचयिता थे वो जानते थे कि भारत जैसे बड़े और विविधता भरे देश में संघीय ढांचा ही सही तरीके से काम कर सकता है, इसे राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता में बैलेंस बना रहता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में यानी आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा क्योंकि भारतीय संघ अमेरिका की तरह राज्यों के समझौतों से नहीं बना है
और भारत के राज्यों को संघ से यानी भारत राज्य से भारत देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, क्लियर कट एकदम। भारत का संघीय ढांचा कनाडा के मॉडल पर आधारित है, न कि अमेरिका के मॉडल पर। कनाडा की तरह ही भारत में केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां हैं, यानी हमारा संघीय ढांचा केंद्र की ओर हल्का झुका हुआ है। भारत में अपने संविधान में जो संघीय विशेषताएं हैं, जरा उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है कि द्विस्तरीय शासन है। हमारे देश में केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, जैसे केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय रक्षा, विदेश नीति, संचार व्यवस्था देखना है, वहीं राज्य सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों को संभालती हैं। हमारे यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान लिखित है और दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें केंद्र और राज्यों के अधिकार स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। हमारे यहाँ पर शक्तियों का क्लियर कट बंटवारा किया गया है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर है। तीन सूचियाँ बनाई गई यहाँ पर, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची, यानी कौन किस तरह के विषय पर कानून बनाएगा इन्हीं सूचियों से वो तय होता है। अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र का कानून लागू होता है। यहाँ पर संविधान ही सबसे सर्वोच्च है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ पर। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, जैसा कि हमने बताया केंद्र और राज्य सरकारों के बनाए गए कानूनों को संविधान का पालन करना अनिवार्य होता है। न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है। हमारे देश में केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का काम न्यायपालिका ही करती है। हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा है, राज्यसभा है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा जनता का करती है। जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि हमारे यहाँ क्वासी फेडरल है, यानी हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ लक्षण हैं और यूनिटरी गवर्नमेंट के भी कुछ लक्षण हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के क्या लक्षण थे वो अभी हमने जाना, अब जान लेते हैं कि हमारे यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या लक्षण हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक मजबूत केंद्र सरकार है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, यहाँ तक कि केंद्र को आपातकाल की स्थिति में राज्यों पर पूर्ण अधिकार मिल जाते हैं। राज्यों की सीमा बदलने का भी अधिकार है केंद्र को। भारत के संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा में बदलाव कर सकती है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी नागरिकता एकल है, सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता होती है। ऐसा नहीं कि कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक है, कोई मध्य प्रदेश का, कोई आसाम का, कोई तमिलनाडु का, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, समेकित न्याय व्यवस्था है, यानी सभी राज्यों और केंद्र का न्यायालय जो है एक ही ढांचे के तहत काम करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं हमारे यहाँ, IAS और IPS जैसी सेवाएं हैं जो हमारे संघीय ढांचे को चुनौती देती हैं थोड़ा सा, क्योंकि इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति और नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है, जबकि ज़्यादातर ये लोग सेवाएं राज्य में देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे भारत का संविधान संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। इससे यह तय होता है कि हमारा देश एकजुट रहे, साथ ही राज्यों को भी अपने समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्रता मिले। भारत का यह ढांचा दुनिया में अद्वितीय है और इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी ही समझदारी और दूरदर्शिता के साथ तैयार किया था। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएगा। और अगर आप UPSC या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल धीर TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।